हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर दिनेश। आज आप लोगों को हीपर सल्फर के बारे में बताने वाला। तो हीपर सल्फर जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो बहुत ही बेटर काम करती है। मेनली ये थोड़ा फुंसी के ऊपर ही बेटर काम करती है हीपर सल्फर, और सब भी बहुत काम करती है। एक होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो में काम करती है, लेकिन बस हीपर सल्फर का कुछ साइड बता रहे हैं जिस पर आप खुद यूज करके ही इसका लाभ उठा सकते हैं। तो पहला चीज तो जान लें कि हीपर सल्फर का जो पेशेंट होगा वो बहुत ही गुस्सेबाज होगा, बार बार पर गुस्सा करेगा। दूसरा चीज है कि हीपर सल्फर का जो पेशेंट होगा सेंसिटिव टू कोल्ड, वो ठंड से उसका जो रोग है वो बढ़ता है। मतलब कहने का मतलब अगर बाइक से कहीं ठंडी हवा में घूमता है तो सर्दी खांसी बुखार उसे पहुंच जाएगा। दूसरी चीज है कि इस टाइप का तो पेशेंट हो गया, उसके बाद हीपर सल्फर का अगर कोई पेशेंट है उसे घाव है और घाव में पस का पस बन गया है तो आप 200 पावर में सुबह शाम चार चार घंटे बहुत ही बेटर काम करती है। अब हीपर सल्फर फोड़े के ऊपर भी काम करती है, उसमें अगर फोड़ा एकदम छोटा सा दाना टाइप के हैं तो अगर फोड़ा को आप बढ़ाना नहीं चाहते हैं और दर्द भी कर रहा है तो आप 1000 पावर में बहुत ही बेटर काम करते हैं, बस उतने पर वो बैठ जाएगी फोड़ा वहीं पर रह जाएगी। दूसरी चीज़ है कि हीपर सल्फर जो है अगर किसी के शरीर से बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है और पसीने में बहुत ज़्यादा गंध है उसे दूर करने के लिए आप हीपर सल्फर यूज कर सकते हैं 200 पावर में सुबह शाम चार चार। अगर कोई पेशेंट बहुत तो पता है उसका पेशेंट वैसा है बहुत ज़्यादा गुस्से बात बात पर गुस्सा करता है, गुस्सा उसे आग भर गई है तो आप हीपर सल्फर 30 पावर में सुबह दोपहर शाम पूजा यूज करिए, बहुत ही बेटर काम करते हैं। ऐसे तो हीपर सल्फर माय पॉइंट ऑफ व्यू अगर खांसी कहीं ठीक नहीं हो रहा है तो हीपर सल्फर उसमें खुराक बहुत ही बेटर काम करती है। एक खुराक हीपर सल्फर बस एक खुराक ले सकते हैं उसमें बहुत ही बेटर काम करती है। अब जो है हीपर सल्फर का मेन कहाँ हीपर सल्फर यूज होता है वही हम बता रहे हैं आपको। दूसरी चीज़ है कि हीपर सल्फर का जो पेशेंट होगा वो तो दूसरे सवाल करता है, बार बार गुस्सा करता है। हीपर सल्फर का पेशेंट सेंसिटिव टू टच कोल्ड एंड पेन, मतलब कहने का मतलब है कि उसको ठंडा हवा जो वो ज़्यादा प्रभावित करती है ज़्यादा उसमें लोग बहुत सर्दी खांसी बुखार से हो जाएगा। टच का बात है कि कहीं कोई रोग को और पकड़ता है तो उसका रोग और बढ़ जाएगा, तो ये सब हीपर सल्फर का मेन सिम्टम। ऐसे तो हीपर सल्फर ब्रोंकाइटिस साइनोसाइटिस बहुत सारे रोग काम करती है, ये मेन सिम्टम है जो आप खुद यूज कर सकते हैं। ऐसे कोई मेडिसिन होम्योपैथिक या कोई पैथिक को खुद नहीं खाना चाहिए, बिना फिजिशियन के सलाह के कोई भी मेडिसिन लेना ठीक नहीं है। दूसरी चीज़ है कि अगर किसी पैथी का अगर मेडिसिन खाना है तो उसके साथ ही किसी और पैथी का मेडिसिन ना लें, एक गलत चीज़ है। अगर होम्योपैथी खा रहे हैं तो बस होम्योपैथी खाएं। दूसरा चीज़ है इसे लेने का तरीका भी आप जान जाएं कि कैसे हम इसे लें। जहाँ से आप हीपर सल्फर उठाते हैं वहाँ भी आप बात कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि 200 पोटेंसी की दवा है, अगर ऐसा सिम्टम मिलता है तो सुबह शाम खाएं चार, अगर 20 साल से नीचे कर लगा तो बंद खाएं बेटर काम करती है। ये फोड़े और फुंसी के ऊपर सबसे बेटर काम करती है। मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना।